हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 1 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसकी PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहाँ से आप लोग PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, काजेंद्र 2019 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ सैन्य अभ्यास। रशियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती? तो ये रेस जीती है लुइस हैमिल्टन ने। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है 31 अक्टूबर को, तो उन्हीं के सम्मान में ये मनाया जाता है। आपको बता दें कि भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 565 रियासतों को इन्होंने एक किया, मिलाया भारत में, और तब जाकर अखंड भारत का निर्माण हुआ। इन्हीं के एफर्ट की वजह से आज हम लोग इतने बड़े और विशाल भारत में जी रहे हैं। तो इस बार इनकी 144वीं जयंती थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, तो उनकी जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। क्लियर है? मैंने आपको कल एक वीडियो दी हुई थी स्टैचू ऑफ यूनिटी की। स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं के सम्मान में बनाया गया है दोस्तों, गुजरात में बना है। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। सरदार सरोवर बांध के पास में वो बना है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो कल की वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी अभी ट्रेंडिंग पॉइंट है, ट्रेंडिंग मुद्दा है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले 1-2 महीने के एग्जाम में। तो आप लोग कल की वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अब इस मंथ का ये लास्ट डे था, तो इस मंथ में यानी अक्टूबर मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे आए हैं इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैंने आपको कई बार रिवाइज कराया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। भारत के राष्ट्रपति ने तमिलनाडु कृषि उपज और पशुधन अनुबंध खेती और सेवा अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। अब तमिलनाडु में एक निश्चित रूल होगा, उसी रूल पर ही कॉन्ट्रैक्ट पर खेती की जा सकेगी। ठीक है, ये अनुबंध खेती का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट पर जो फार्मिंग होती है उस पर कानून बनाया है तमिलनाडु ने। क्लियर है? तो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इस कानून को मंजूरी भी दे दी है। तो अब आया है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के बारे में जानिए डिटेल में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं E.K. पलनीस्वामी, यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। मुदुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में ही स्थित है। तमिलनाडु मैप में देख लीजिए किसे किसे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो तमिलनाडु दोस्तों आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से और केरल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए? तो दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ऑफिशियली अस्तित्व में आ चुके हैं। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से घोषणा हुई थी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ करके। लेकिन साथ ही साथ ये भी घोषणा की गई थी कि ये अस्तित्व में आएंगे 31 अक्टूबर 2019 के बाद से ही। अब 31 अक्टूबर का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर। तो दोस्तों उन्हीं के एफर्ट की वजह से पूरा भारत देश एक हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वजह से वो एक नहीं हो पाया था पूरी तरीके से भारत का। तो उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं को समर्पित करने के लिए ये दिन डिसाइड किया गया। ठीक है, तो 31 अक्टूबर के बाद से यानी कि कल के बाद से अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश। अब भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है? बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नियुक्त हो चुके हैं। कौन होने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। विधानसभा भी है जम्मू कश्मीर में, इसको आपको ध्यान में रखना है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। ठीक है,
लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं राधा कृष्ण माथुर जी। इसकी राजधानी है लेह, लेकिन यहाँ पर विधानसभा नहीं है। ठीक है, तो विधानसभा केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है, एक है दिल्ली, दूसरा है पुदुचेरी और तीसरा बन गया है जम्मू कश्मीर। इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं भी हैं इनकी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने गुरु नानक जी को 550वीं जयंती के अवसर पर 50 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने दोस्तों गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर 550वीं जयंती के अवसर पर 50 रुपये की वैल्यू वाले स्मारक सिक्के को जारी किया है। इसके साथ ही में इन्होंने एक डाक टिकट भी जारी किया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, उस डाक टिकट की वैल्यू है 8 रुपये। ठीक है, तो ये जो सिक्का और डाक टिकट होगा ये उन यात्रियों के लिए होगा जो करतारपुर साहिब पर जाएंगे, तो उन यात्रियों के लिए ये अवेलेबल होगा। दोस्तों गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। इनके जन्म दिवस को, जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार यानी कि 2019 में टोटल 550वां जयंती इनका पूरा होने वाला है। तो 550वीं जयंती या कहें 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर 50 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है पाकिस्तान ने। अब यहाँ से हम लोग क्या क्या रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों, 550वीं जयंती के अवसर पर अभी कुछ ही दिन पहले नेपाल ने भी 3 सिक्के जारी किए थे गुरु नानक देव जी के। ठीक है, 3 स्मारक सिक्के जारी किए गए थे। इसके साथ ही अभी आया था एयर इंडिया चर्चे में, जब उसने अपने विमान के टेल पर एक ओमकार का चिन्ह बनाया था। किसका चिन्ह बनाया था? एक ओमकार का। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान आया है तो मैप में देख लीजिए, ये रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान पड़ता है एशियन कॉन्टिनेंट में। इमरान खान है यहाँ के प्रधानमंत्री, डॉक्टर आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट, इस्लामाबाद है यहाँ की राजधानी, यहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान की संसद का नाम होता है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने इस्तीफा दे दिया। तो अभी हाल ही में के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने इस्तीफा दे दिया। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं साद हरीरी। इन्होंने लेबनान के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, लेबनान में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सरकार को लेकर के काफ़ी तोड़फोड़ भी हो रहा था, इस वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। क्यों हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़? इसका वजह है दोस्तों वित्तीय संकट। लेबनान काफ़ी दिनों से वित्तीय संकट से जूझ रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये लोन हो गया है इसके ऊपर, इसीलिए वहाँ की जनता प्रधानमंत्री से इस्तीफे की डिमांड कर रही थी, मांग कर रही थी। तो फिर साद हरीरी ने फाइनली प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आया है लेबनान, तो मैप में देख लीजिए, ये रहा लेबनान। लेबनान भी दोस्तों एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। यहाँ की राजधानी है बैरूत और लेबनान की करेंसी होती है लेबनान पाउंड। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय संस्थान ने इंडियन ब्रेन एटलस यानी IBA का निर्माण किया? तो अभी हाल ही में IIT हैदराबाद ने दोस्तों पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस का निर्माण किया है। इंडियन ब्रेन एटलस का मतलब ये हुआ कि भारतीयों के ब्रेन पर यानी मस्तिष्क पर रिसर्च किया गया है। ये रिसर्च इस प्रकार से पहली बार किया गया है। ठीक है, और इसे श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम केरल की मदद से किया गया है। ठीक है, अब इस रिसर्च में क्या पता चला है? इस रिसर्च में ये पता चला है दोस्तों कि जो इंडियंस होते हैं उनका जो दिमाग होता है वो लंबाई, चौड़ाई और घनत्व के मामले में जो पश्चिमी देश हैं और जो पूर्वी देश हैं उनके लोगों की तुलना में छोटा होता है। ठीक है, तो इस रिसर्च से क्या फ़ायदा होगा? इस रिसर्च से दोस्तों अल्जाइमर रोग हो गए और भी ब्रेन से जुड़ी जो भी बीमारियाँ हो गई उनके निदान में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस का निर्माण किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के नए प्रमुख कौन बने? तो इसके प्रमुख बन गए हैं दोस्तों राफेल मारियानो ग्रासी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अध्यक्ष यानी महानिदेशक बन गए हैं राफेल मारियानो ग्रासी। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे दोस्तों युकिया अमानो, जो कि जापान के थे, लेकिन जुलाई में ही इनका निधन हो गया था। तो अब बन गए हैं राफेल मारियानो ग्रासी इनकी जगह पर।
क्लियर है। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, यानी कि 1957 में। इसके सदस्य देशों की बात करें तो टोटल इसके 171 देश हैं इसके सदस्य, ठीक है। राफेल मारियानो ग्रासी बन गए हैं इसके महासचिव। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हाल ही में किसे भारत का डिप्टी NSA बनाया गया, तो भारत के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन गए हैं दोस्तों दत्ता पडसलगीकर। कौन? दत्ता पडसलगीकर। ये दत्ता पडसलगीकर कौन है? ये दोस्तों 1982 बैच के 1982 बैच के IPS अधिकारी हैं, और ये महाराष्ट्र के पूर्व DGP भी रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के। इसके साथ ही ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम कर चुके हैं, दत्ता पडसलगीकर, ठीक है। तो अब ये बन गए हैं हमारे भारत के डिप्टी NSA, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है। अब ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वो हैं अजीत डोभाल, NSA हैं भारत के अजीत डोभाल। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है 38वां शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर कहाँ शुरू हुआ, तो अभी हाल ही में UAE के शारजाह में दोस्तों 38वां शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है दोस्तों शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने, जो कि UAE के शारजाह के शासक हैं और सुप्रीम काउंसिल के सदस्य हैं। अब ये जो बुक फेयर है यानी पुस्तक मेला है दोस्तों, इसमें टोटल 77 देशों के 1800 से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, भाग लेने वाले, ठीक है। इसकी थीम भी रखी गई है, क्या है थीम? इसकी थीम है ओपन बुक्स ओपन माइंड्स। अब UAE आया है तो UAE के बारे में थोड़ा सा और जानिए। UAE मैप में देख लीजिए, अबू धाबी होती है यहाँ की राजधानी, दिरहम होती है यहाँ की मुद्रा, खलीफा बिन जायद अल नहयान है यहाँ के प्रेसिडेंट। UAE भी पड़ता है एशियन कॉन्टिनेंट में, एशिया महाद्वीप में, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2019 को गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण शुरू हुआ, तो दोस्तों तीसरा संस्करण शुरू हुआ है गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का। कहाँ पर शुरू हुआ है? गुवाहाटी असम में, ठीक है। इसका उद्घाटन किया है असम के जो करेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं सर्वानंद सोनोवाल जी ने। ये फेस्टिवल दोस्तों अगले एक सप्ताह तक चलेगा और इसमें 65 कंट्रीज की 100 फिल्में दिखाई जाएंगी, क्योंकि ये फिल्म फेस्टिवल है तो इसमें 65 कंट्रीज की 100 फिल्में दिखाई जानी है, क्लियर है। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किस कंपनी ने लिब्रा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं धनंजय कुमार, अनु कुमारी, दीपिका गौतम, विशाल मौर्या, कृष्ण कुमार, संदीप सिंह, राकेश ढाका, सोनी कुमारी, शुभम, मंटू कुमार, मनीषा राजपूत, राखी जाटव, नेहा चौधरी, खुशी शर्मा और नंदन कुमार। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है, आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों चैनल को, अगर आप पहली बार आए हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, वरना नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी PDF मिलेगी आपको, वहां से आप लोग PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों सभी मंथ की मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप लोग वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।